दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में छठ घाट बनाने को लेकर बीजेपी के निगम पार्षद सुभाष भड़ाना और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भरद्वाज आमने सामने आ गए। एमसीडी के पार्क में छठ घाट बनाया जा रहा था, जिसका निगम पार्षद ने विरोध किया। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे से भिड़ गए। छठ घाट पर राजनीति यही नहीं थमी। रात के हंगामे के बाद आज सुबह आप सांसद संजय सिंह भी कालकाजी पहुंचे। इस दौरान भी आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इसके बाद संजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में पूर्वांचलियों को पीटते हैं और अब यहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमें छठ घाट बनाने से रोका जा रहा है। बीजेपी वाले हम पर चूड़ियां फेंक रहे हैं। पूरी दिल्ली बीजेपी का असली चेहरा देख रही है। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, जब तक बीजेपी का असली चेहरा सामने नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कल दिल्ली सरकार द्वारा भाजपा पर यह आरोप लगाया गया कि अधिकृत छठ घाट बनाने के काम को भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने रुकवा दिया था। जो ये घटना हमारे संज्ञान में आई है, ये आरडब्ल्यू और छठ घाट बनाने वालों के बीच विवाद है। अब जिसे जिले की परमिशन मिलेगी वो कर लेगा, इसमें राजनीति करने का फायदा नहीं है। बता दें आपको कि मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे इस घटना के बारे में पता चला है, लोकल लोगों की समस्या लोकल लोगों को समझ लेने दो। साथ ही ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि दो समुदाय लड़ जाएं, इनकी नफरत की राजनीति है। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर वहाँ पहले से छठ पूजा होती आई है तो कोई दिक्कत के बात नहीं है, अगर नहीं होती आई है तो उसके लिए परमिशन चाहिए और अगर परमिशन मिल जाती है तो पूजा भी हो जाएगी, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। तो वहीं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि संजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। चार वर्षों से कल हमारे स्थानीय विधायक सौरभ भारद्वाज जी के साथ मारपीट किया भाजपाइयों ने, छठी मैया का घाट तोड़ दिया। आज हम लोग यहाँ मांग करने आए तो छठी मैया का आभूषण ये चूड़ी फेंक रहे भाजपाई, इनका सर्वनाश होना तय है। आज बताना चाहिए पूर्वांचल के हमारे सांसद, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जो वोट देते हैं यूपी बिहार के लोगों को, मनोज तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए इस बात को, कहना चाहिए। लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं छठ घाट का? छठ घाट का विरोध कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता है। महाराष्ट्र में यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को मारते हैं, गुजरात में मारते पीटते हैं, आसाम में मारते पीटते हैं, वही काम यहाँ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य कराए गए, यहाँ तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। चार वर्षों से लगातार इसी जगह पे छठ घाट का बन रहा था और छठी मैया की पूजा का आयोजन हो रहा। कब तक आप लोग इस तरह से बैठेंगे धरने पर? कब तक आप लोग बैठेंगे धरने पर? नहीं, वो हम लोग तय करेंगे, ये तो हम शासन को जगाने के लिए, ये देखिए घाट का परमिशन है, ये परमिशन है घाट की, बाकायदा परमिशन है। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी तो लगातार पूर्वांचलों के सपोर्ट में बात करती है, हाँ करती है, भगाती है, गुजरात में मार के भगाती है पूर्वांचल के लोगों को, आसाम में मार के भगाती है, दिल्ली में केजरीवाल जी पूर्वांचल के सम्मान के लिए खड़े हैं इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ भी मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ। आप लोग के साथ झड़प भी हुई है, मारपीट हुई है, यहाँ पर फेंकी गई। अभी देखा होगा आप लोगों ने अपने कैमरे में, कैद किया होगा, दिखाई